नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पालघर जिलाधिकारी डॉक्टर मणिक गुरसल को पालघर जिले से हटा दिया गया है और उनके जगह पर पालघर जिलाधिकारी के तौर पर जीएम बोर्ड के आईएएस ऑफिसर इनकी नियुक्ति की गई है। आज सवेरे ही मिड्डे अखबार ने एक बड़ी खबर छापी थी, जिसमें मिड्डे अखबार ने यह बताया था कि किस तरह से वसई में पिछले दिनों जो हादसा हुआ लैंडस्लाइड का, उसके बाद में किस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन ने विभिन्न महानगर पालिका और जिलाधिकारी कार्यालय को नोटिस भेजे थे, नोटिस निकाले हैं और उनसे जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है। तो सुबह ये खबर, बड़ी खबर छपी थी आज के अखबार में, मिड्डे में, और शाम को यह खबर आई कि पालघर जिलाधिकारी को वहां से जिले मुख्यालय से हटा दिया गया। अब पालघर जिलाधिकारी को हटा गया तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ है, ये संशय भी बना हुआ है। क्योंकि दरअसल सामान्य जब कभी अदला बदली होती है अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, तब जो ऑर्डर निकलते हैं उस ऑर्डर में और आज जो ऑर्डर निकला उसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पत्र जो अपर सचिव नितिन गदरे के ऑफिस से निकला हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये पत्र है, सिर्फ दो या तीन लाइन का ये पत्र है और श्री जीएम गोडके को ये संबोधित करके उनको लिखा गया है। इसमें लिखा है, शासन ने आपली नियुक्ति जिलाधिकारी पालघर या पदावर श्री मणिक गुरसल भारतीय प्रशासनिक सेवा यांची जागे के लिए आहे, तरी आपण नवीन पदाचा कार्यभार श्री गुरसल यांच्याकडून त्वरित स्वीकारवा। बस इतना सा इसमें मजमून लिखा हुआ है, दो तीन लाइन में। उनको जो नए कलेक्टर आने वाले हैं, जिलाधिकारी जीएम बोर्ड के, उनको यह पत्र लिखा गया है कि आपकी नियुक्ति डॉक्टर मणिक गुरसल की जगह पे की गई है और आप त्वरित अपना कार्य संभालिए। तो क्या लोगों में, यहां के लोगों में एक ये संशय है कि क्या है पालघर जिलाधिकारी के ऊपर जो ये पिछले दिनों जो हादसे हुए उसको लेकर कोई कार्यवाही है या ये रूटीन बदली है, इसका संशय है। क्योंकि इस आदेश के बाद पालघर जिलाधिकारी डॉक्टर मणिक गुरसल का कहां बदली किया गया, उनको कहां किया गया, उसका कोई इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन ऐसा संदेह लोगों में पैदा, भ्रम पैदा हो रहा है कि क्या ये इस कार्य बगरालपाड़ा का असर है। तो इस मामले में क्यों नहीं प्रांत अधिकारी और तहसीलदार के ऊपर कार्यवाही हुई? पिछले दिनों आपने देखा वसई तहसील से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वसई तहसील के नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकड़े एंटी करप्शन की रेड में गए। उसके बाद में यह तो बात रही तहसील की, अब बात करते हैं महानगर पालिका की। तो महानगर पालिका में, महानगर पालिका ने भी अब तक एक भी कर्मचारी या अधिकारी को जिम्मेदारी उनकी तय नहीं की। हद तो यह है कि जो अतिक्रमण अधिकारी विजय नड़गे और अतिक्रमण इंजीनियर कस्तुभ तामुर है, उनको भी वहां से हटाया नहीं गया। उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए था निग्लिजेंस का, वो मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन उनका निलंबन तक नहीं किया, उनको काम पे से हटाया नहीं गया। यह वसईराम महानगर पालिका का बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य है। जब दो मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए थी। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि कौस्तुभ तोमुरे के पीछे कौन है, क्यों उसको बचाया जा रहा है, विजय नड़गे को क्यों बचाया जा रहा है, इन दोनों ही अधिकारी कर्मचारी को हटाया क्यों नहीं गया, निलंबन क्यों नहीं किया गया इनका, इनके ऊपर गुनाह दाखिल क्यों नहीं किया गया। बगरालपाड़ा में सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो ये दोनों हैं। तो देखिए, अभी ये नई अपडेट है, आज पालघर जिलाधिकारी की बदली हुई है, आगे इसमें क्या क्या होता है देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।